देखो अच्छा पढ़ना है क्या हम लोग का एनिमल किंगडम यही पढ़ना है बोलेगा ये नहीं हाँ सर जोर से बोलो जय जय माता दी। देखो एनिमल किंगडम शुरू करने के पहले बहुत सारे टर्म्स है जो समझ लेना क्या है बहुत सारे यूजफुल टर्म्स है जो हमें स्टडी करना पड़ेगा एक एक करके बहुत सारे यूजफुल टर्म्स आएगा जो देखेंगे उसके बाद मैं एनिमल किंगडम शुरू करूंगा या क्लासिफिकेशन उसका बताऊंगा ठीक है एमनियोटिक फ्लूइड जानते हो क्या इसको बंद करो इसमें एम्ब्रियो डेवलप करता है फिटस डेवलप करता है उस फ्लूइड को हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो बेबी होता है उसके आसपास जो चारों तरफ फ्लूइड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं एम्ब्रियोटिक फ्लूइड और जिसमें एम्ब्रियोटिक फ्लूइड अब्सेंट हो गया लगता है वर्टिब्रेट समझते हो बैकबोन वाली बात तो जिस वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में एम्ब्रियोनिक का मेम्ब्रेन अब्सेंट होगा तो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड नहीं बनेगा उस एनिमल का नाम है एम्ब्रियोटिक इस तरह से याद करना पड़ेगा कि कौन से किसको बोलते हैं एग्जांपल के लिए फिश क्या फिश या एम्फीबियन ये सब में देखेंगे तो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है वो अब्सेंट होता है जिसके कारण एम्ब्रियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन नहीं होता है तो ऐसे एनिमल को हम लोग बोलते हैं एनिमोल्स या एनिमोलिटिक एनिमल याद रहेगा हाँ तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे जो देखना पड़ेगा हर्माफ्रोडाइट जानते हैं हर्माफ्रोडाइट नाम लॉटिक एनिमल पैरासाइट एनिमल ये तो सुना होगा ठीक एक नैनो प्लैंकटन क्या ओके जो प्लैंकटन अच्छा वो वाटर करंट के साथ फ्लो करता है जो प्लैंकटन उसमें बहुत छोटा आ जाएगा नैनो नैनो मतलब होता है ड्वार्फ बहुत छोटा तो नैनो प्लैंकटन आ जाएगा एक और वर्ड आता है नेक्टॉन शार्क शार्क को नेक्टॉन कहते हैं बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हम लोग देखेंगे बेनिथ एनिमल नहीं बेनिथिक एनिमल जो सी के बहुत वाटर में रहता है या फिर रिवर के वाटर में रहता है तो ये सब टर्म्स हैं पहले देख रहे हैं क्योंकि बार बार रिपीट होगा क्या होगा बार बार जैसे एक्वेटिक एनिमल जानते हैं क्या जो पानी में रहता है ठीक है अगर उसी तरह से मैं एक बात करूँ वर्टिब्रेट किसे बोलते हैं दो तरह का वर्ड आता है एक वर्टिब्रा आता है एक आता है नॉन कॉर्डाट्स कॉर्डाटा और नॉन कॉर्डाटा अब एक क्रिनाटा आता है ये सारे टर्म्स पहले होते हैं पहला एक टर्म्स लिखते हैं टाइटल है एमनियोट्स इस वर्ड को समझो एन का मतलब अब्सेंट ठीक है और एमनियोट का मतलब आया है एमनियोटिक फ्लूइड से तो दैट मींस वर्टिब्रेट विदाउट एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्लियर हो सकते हैं विदाउट एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एक एग्जांपल में फिश और एम्फीबियंस ये इसका एग्जांपल में आ जाएगा उसी उसी तरह आ जाएगा एमिनोर्स एमिनोर्स मतलब जिसमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा एग्जांपल में
रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। एमिनोट्स वैसे एनिमल को बोलेंगे जिसमें क्या एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं वर्टिब्रेट्स विद एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा? रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। यही है ना, सारे एनिमल को पांच कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ऊपर देखो, ओए सारे एनिमल्स को पांच कैटेगरी में डिवाइड किया गया ना। पहला फिश, जो प्रोटीन एक्वेटिक होगा, फिर उसके बाद एम्फीबियन, जो एक्वेटिक और प्लस टेरेस्ट्रियल दोनों दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद रेप्टाइल्स, जो टेरेस्ट्रियल था बट रिंग की चल रहा था। फिर उसके बाद बर्ड्स, जो एरियल है, और उसके बाद मैमल, जो टेरेस्ट्रियल होगा या फिर एक्वेटिक भी हो सकता बट बॉडी पे हेयर्स होगा और चाइल्ड वर्क करेगा इसका। तो इसमें एम्ब्रायोनिक स्टेज सब में दिखता है। क्या ये इतने सारे देख रहे हो ना, ये सब वर्टिब्रेट्स है, यानी सब में बैकबोन्स प्रेजेंट होगा। क्या होगा? सब में बैकबोन प्रेजेंट, वर्टिब्रेट है सारे, किसी में अस्कल है या नहीं, क्रैनियम है या नहीं, वो देखें मैट्रिक्स सब में बैकबोन है। और जिसमें बैकबोन होगा उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। क्लियर है? जिसमें बैकबोन होगा उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो जब फिटस का डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियो के पहले एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे एम्ब्रियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इसी के अंदर जो बेबी है वो डेवलप करता है, और जिसमें ये एम्ब्रियो एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन या एम्ब्रियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा उस सारे एनिमल्स को हम लोग एमिनोट्स कहते हैं, और जिसमें वो एब्सेंट होगा उसे हम लोग एनएमनोट्स कहते हैं। सर, जो वाटर पे जो एम्ब्रायोनिक स्टेज जब भी मतलब है कि अनबर्थ बेबी को बोल रहे, चाइल्ड से पहले जो बच्चा है उसका एम्ब्रायोनिक है। जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है, एम्ब्रायोनिक स्टेज बॉडी में होता है, ठीक है। तो जिसमें ये वाले पोर्शन प्रेजेंट होगा, क्लियर, वो आपका इधर है जिसमें जेस्टेशन पीरियड वगैरह सब दिखता है, इस वाला नहीं होगा, ये डायरेक्ट आपका बेबी बर्थ करेगा बॉडी से बाहर। तो जो आपका स्नेक्स वगैरह है उसमें एम्ब्रायोनिक स्टेज देखने को मिलेगा, रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स में दिखेगा एम्ब्रायोनिक स्टेज, और इसमें एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन भी दिखेगा बट वो वाले में नहीं दिखेगा जिसके अंदर फिश और एम्फीबियंस यानी फ्रॉग्स वगैरह ये सब आता है। याद है, क्लियर है? प्रोटोकॉल डाटा क्या होता है? पहले किससे मैं मिटाऊ किसने बेटा ओके। एक वर्ड मैंने बोला प्रोटोकॉल डाटा। क्रैनियम क्या है? पहले ये बताओ क्रैनियम क्या है? क्रैनियम कुछ होता है? है? ये देखो किसको बोलते हैं क्रैनियम? अस्कल को। सर किस में प्रेजेंट होता है?
अस्कल को बोलते हैं जिसमें ब्रेन होगा ना उसी में होगा, इसे ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, सिंपली इसे हम लोग स्कल कहते हैं। ये खोपड़ी जिसके अंदर ब्रेन होता है क्रैनियम उसी को बोलते हैं, समझता है। तो एक वर्ड आता है दैट इज प्रोटोकोडाटा, यानी कोडाटा तो है बट क्रैनियम ऑब्सेंट है। क्या प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, बहुत पहले, तो सबसे पहले आर्थ के वर्टिब्रेट्स जो आया था उसमें क्रैनियम यानी कि ब्रेन वाला पार्ट का जो कवर करता है स्कल खोपड़ी ये ऑब्सेंट था, तो इसे हम लोग आप क्रैनिया बोलते हैं। वर्ड को समझना, मैं इसे मिटाता हूं, इसे क्या बोलते हैं आप क्रैनिया, आप क्रैनिया, क्रैनिया वर्ड आया है क्रैनियम से, आप मतलब ऑब्सेंट, ऑब्सेंट ऑफ क्रैनियम को हम लोग क्या बोलते हैं अक्रैनियम। जैसे वैसा एनिमल की बात कर रहे हैं जिसमें स्कल ऑब्सेंट होता है, क्या होता है स्कल ऑब्सेंट। अब कौन सा एनिमल, कोडाटा की बात कर रहे हैं, कोडाटा मतलब जिसमें बैकबोन वाला पॉइंट है, क्लियर समझ में आ रहा है। इसके अंदर दो कैटेगरी फॉल करता है, एक करता है यूरोकोडाटा और एक सिफैलोकोडाटा। इसके अंदर दो कैटेगरी मिलेगा, एक यूरोकोडाटा मिलेगा, एक सिफैलोकोडाटा मिलेगा, क्लियर। और दोनों के पास स्कल नहीं है। आगे जाके हम देखेंगे यूरोकोडाटा और सिफैलोकोडाटा क्या है। अब इस एनिमल को हम लोग आप क्रैनिया बोल रहे हैं, आप मीन्स ऑब्सेंट, अब क्रैनिया वर्ड लाया है क्रैनियम से, यानी क्रैनियम ऑब्सेंट है। क्रैनियम का मतलब जिसके अंदर ब्रेन कवर्ड होता है, ब्रेन जिस बोन से प्रोटेक्टेड होता है उसे क्रैनियम बोलते हैं, समझ में आ रहा है। बड़ा दिक्कत है कॉकरोच में ब्रेन प्रोटेक्टर नहीं, हम लोग में है ना, इतना बड़ा खोपड़ी लेकिन कॉकरोच में प्रेजेंट नहीं होता, क्या हुआ कॉकरोच में प्रेजेंट नहीं होता, इसको आप क्रैनियम या प्रोटोकोडाटा भी कहते हैं। या इसे हम लोग प्रोटोकोडाटा भी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, कोडाटा विदाउट क्रैनियम, कोडाटा विदाउट क्रैनियम। अब कोडाट्स क्या है, नोटोपॉड क्या है, फुल्ली डेवलप नहीं होता जिसमें बैकबोन दिखेगा वो सबको हम लोग कोडाटा कहते हैं। इसके अंदर तीन कैटेगरी आ जाएगा, यूरोकोडाटा, सिफैलोकोडाटा और जिसमें वेल डेवलप होता है कोडाट्स जैसे वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट आते हैं करिनाटा या वर्टिब्रा, क्या है करिनाटा, करिनाटा को हम लोग वर्टिब्रा बोलते हैं, मतलब कैनाटा जिसको घटी हुआ जिसमें क्रैनियम प्रेजेंट होगा। क्रिनियाटा यानी इसका डिफिनेशन कोडाटा विथ क्रैनियम, यानी जिसमें स्कल प्रेजेंट देखने को मिलेगा, यही है ना। ओए यही है ना। नॉन कोडाटा क्या है,
वो डाटा कौन को समझते हो? वो डाटा का मतलब समझ रहे हो? स्कल और ब्रेन मिलन। नोटोपाड का मतलब समझते हो? देखो नोटोपाड का लेखन कंफ्यूजन मत करना। इधर ये नोटोपाड है जो ब्रॉड शेप लंबा सा स्ट्रक्चर देखेगा बैक में कहीं नोटोपाड स्पाइन इसको नहीं बोलते हैं। रॉड लंबा से स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, ये नोटोपाड है। स्पाइन नर्व को बोलते हैं। तो नोटोपाड एक लंबा सा बैकबोन की तरह स्ट्रक्चर जिसमें देखिए वो सब नोटोपाड है। और नोटोपाड के साथ क्रैनियम होगा तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, क्रेनाटा या वर्टिब्राटा हो या वर्टिब्रा हो। अगर किसी के साथ ये अब्सेंट है तो इसे हम लोग अक्रैनियम बोलेंगे या प्रोटोकॉडाटा बोलेंगे। क्लियर है? तो ये रॉड लाइन दिखना चाहिए पीछे। फिश वगैरह में दिखता है हम लोग में भी पीछे से लंबा सा रॉड, उसे हम लोग नोटोपॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटोपॉड, जो बैकबोन की तरफ काम करता है या बैकबोन बनाने का काम करता है। ठीक है, तो नोटोपॉड समझ आ रहा है। नन पॉडाटा किसको बोलेंगे? जिसमें नोटोपॉड अब्सेंट होगा। पॉडाटा किसको बोलते हैं? जिसमें नोटोपॉड प्रेजेंट है। अपोडाटा दो तरह के हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक कर्नाटा देख रहे हैं और एक इधर ऊपर अकर्णिया देख रहे हैं जिसमें स्कल है एक में स्कल नहीं है। क्लियर है? तो बेसिक सब चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखना, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग नन पोडाट्स के मतलब है कि एनिमल विदाउट नोटोपॉड, ये होगा ना। अपोडाट्स का मतलब है कि एनिमल हैविंग नोटोपॉड। वर्टिब्रल कॉलम समझते हो? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम का मतलब एक्चुअल में बैकबोन होता है, सेगमेंटेड होता है वर्टिब्रल कॉलम। इस कॉलम का इन वर्टिब्रेट्स का मतलब है कि वर्टिब्रल कॉलम अब्सेंट होगा, एक लंबा सा रॉड लाइन दिखेगा। समझ आ रहा है? वर्टिब्रेट्स का मतलब है कि वर्टिब्रल कॉलम ये एक दो तीन चार पाँच कॉलम बना हुआ है, ये प्रेजेंट होगा। समझ आ रहा है? इन वर्टिब्रेटा यानी इन वर्टिब्रेट्स अब्सेंट, वर्टिब्रेट्स कॉलम प्रेजेंट, कौन सा बैकबोन में जो कॉलम बनता है। क्लियर? तो ये सिर्फ ये वेल डेवलप्ड इवोल्यूटिव क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर है। शुरुआत में एक छोटा सा रॉड लाइन ऐसे बना था जिसे हम लोग पॉडाटा बोलते हैं। ठीक है, आगे जाएंगे तो हेवी पॉडाटा है, पॉडाटा है पूरी तरह से रॉड लाइन नहीं। हाँ, सबसे पहले बना हुआ उसमें सेगमेंटेड नहीं होगा, ये बाद में सेगमेंटेड होगा। रिवोल्यूशन का बॉडी फ्लैक्स होगा, जिसमें ये सेगमेंटेड है बॉडी का फ्लैक्स होगा, इसमें वो सेगमेंटेड नहीं है, बॉडी उसमें ट्विक नहीं हो पाएगा, सेगमेंटेड नहीं हो पाएगा। ऐसे करो तो टू आ रहा है। तो ये सारा वर्ड उलझाता बहुत है बच्चा आकांक्षा, ये सारे वर्ड क्या है अपर्णा, समझ में आ रहा है तुम्हें? पहला ये सारे वर्ड उलझाएंगे बहुत, लेकिन उलझना नहीं। तो नन पॉडाट्स का मतलब है एनिमल विदाउट नोटोपॉड, नोटोपॉड का मतलब रॉड लाइन, जो इलास्टिक स्ट्रक्चर होगा वो अब्सेंट होगा। क्लियर? और इन वर्टिब्रेट्स का मतलब है कि एनिमल विदाउट वर्टिब्रल कॉलम यानी बिना बैकबोन का जो सेगमेंटेड है वो नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है? अरे नन पॉडाटा लिख लो, ये पूछता है आपसे। नन पॉडाट्स क्या होगा? नन पॉडाट्स में जल्दी बोलो, एनिमल विदाउट नोटोपॉड। एनिमल्स विदाउट हैबिटेट का मतलब समझते हो? क्या हैबिटेट का मतलब? जहाँ पर ऑर्गेनिक रहता है उस जगह को हम लोग हैबिटेट कहते हैं। ये बहुत बार सुना है हैबिटेट, जहाँ पर ऑर्गेनिक
रहता है, जैसे एक्वेटिक एनिमल का हैबिटेट वाटर है, हम लोग का हैबिटेट लैंड जमीन है ना, हैबिटेट वो जो जहाँ पे जो रहता है। हैबिटेट में तीन मिल जाएगा, एक्वेटिक एरियल और टेरिस्ट एरियल, और एक जाके एम्फीबियंस वाला आता है जो दोनों जगह रहता है। तो हैबिटेट बढ़िया है बहुत बार। जो प्लैंकटन एनिमल कैटेगरी में होगा वाटर टैंक के साथ फ्लो करते रहेगा, यानी जो प्लैंकटन इधर, जो प्लैंकटन के अंदर एक आता है नैनो प्लैंकटन, क्या आता है नैनो प्लैंकटन, नैनो का मतलब एक्चुअल नैनो का मतलब होता है डॉट, तो मतलब छोटा, ठीक है, डॉट का मतलब एक्चुअल में छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे डॉट इतना छोटा है कि इसको ये माइक्रोस्कोप चाहिए, क्या चाहिए माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन को ही हम लोग क्या बोलते हैं नैनो प्लैंकटन, एन एक्सट्रीमली स्मॉल प्लैंकटन होगा ना। यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल की बात नहीं कर रहा है, यही पे हम कर देंगे, जून एनो प्लांटन तो एनिमल हो जाएगा, फाइटोन एनो प्लांटन तो प्लांट हो जाएगा। एक और वर्ड आता है नेक्टॉन, नेक्टॉन यह है नेक्टस से, नेक्टस का मतलब होता है तैरना, जो वाटर में तैर सकता है, ठीक है, वाटर करंट के विरुद्ध जा सकता है, जैसे फिश शार्क जाते हो। एक और आता है नेक्टॉन, ये आया है ग्रीक वर्ड नेक्टस से, जिसका मतलब होता है स्विमिंग, एस डब्ल्यू स्पेलिंग बोलो, डबल एन होगा ना, इसमें हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में शार्क। मैक्सिमम मोनीफिश, मोनीफिश समझते हो, जिसमें बोन, जेलीफिश मोनीफिश नहीं है, जिसमें मोनीफिश जिसमें बोन होगा, मोनीफिश का मतलब हावे बोन, ये क्या होता है, ये नेक्टॉन होता है, क्या होता है नेक्टॉन होता है, जो पानी की तैरता है। जेलीफिश की बात नहीं कर रहा हूँ, जेलीफिश मोनीफिश नहीं, जिसमें बोन होता है, तो जितने सारे मोनीफिश होते हैं मैक्सिमम क्या होता है नेक्टॉन होता है, यानी वो वाटर करंट के विरुद्ध भी तैर सकता है। बेंथिक एनिमल्स, एक वर्ड आया है बेंथोस से, जिसका मतलब होता है डेप्थ ऑफ सी, यानी जो सी के वाटर में प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेंथिक एनिमल्स। ये मिटाओ, ये पूरा मिटाओ, गुड। देखो नेट के लिए ये सब सारा टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है नेट के, आगे 2024 का सिलेबस मैं दिया हूं, देखा है उसमें सारा पॉइंट तक ऐड किया और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हाँ, तो एक वर्ड हम लोग क्या कर रहे थे बेंथिक एनिमल्स की बात कर रहे थे, बेंथिक एनिमल्स का मतलब जो
ये बेंथोस से आया है, बेंथोस का मतलब ग्रीक वर्ड है बेंथोस, जिसका मतलब होता है डिप ऑफ सी। तो ऐसा एनिमल होगा जो सी के बॉटम में रहेगा, है ना? एंड एनिमल्स लिव एट द बॉटम ऑफ लैंड, ओशियन या सी। एनिमल्स लिव एट bottom of lands या sea। जेलीफिश बेल्टिक एनिमल में आता है, समझ रहे हो? स्टारफिश भी इसके अंदर आता है। एक और आता है सी कुकुम्बर, नाम सुना है सी कुकुम्बर? मेरे किंतर है इसका लेकर क्या बात, क्या उसका स्ट्रक्चर खीरे की तरह होता है, उसे सी कुकुम्बर कहते हैं। तो कुकुम्बर मतलब हाँ, मतलब जाना सारा बना कर उसे, ठीक है? तो इसकी में एग्जांपल स्टारफिश हो जाएगा। स्टारफिश समझा, लाइट रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, अंधेरे में चमकता भी है, स्टारफिश इसका एग्जांपल है, ठीक है? स्टारफिश इसका एग्जांपल आ जाएगा, सी कुकुम्बर इसका एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है? स्पंज आ जाएगा इसका एग्जांपल। एक और फिश है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, देरे में चमकता है, कोरल्स, सी ओ आर एल, कोरल्स, ये लाइट को चमकता है। एक इलेक्ट्रो सर्फिस होती है, इलेक्ट्रिक फिश जो करंट चलाता है, वो क्या हो सकता है? सर उसका क्या कार्य नहीं पता है। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल मैंने क्या क्या बताया इसके एग्जांपल में, corals, starfish, मेरा favorite, sea cucumber, sea, हाँ मतलब ये nice। एक horse sea भी होता है ना, हाँ लॉटिक एनिमल किसे कहते हैं? लॉटिक एनिमल इसको होगा ना, किसी का तो नाम होगा ही लॉटिक एनिमल, जो रनिंग वाटर में रहता है, रनिंग वाटर के साथ, दैट इज लॉटिक एनिमल। ये जल्दी रिवर में देखने को मिलेगा, रिवर के रनिंग वाटर के साथ जो पास करते रहता है, वो सब क्या होता है? लॉटिक वाटर होता है, लॉटिक एनिमल होता है। जो तुम लोग फिश ले रहे सब खाते हो ना, वो सब लॉटिक एनिमल्स के करियर में जाता है, ठीक है? लॉटिक एनिमल मतलब जो रनिंग वाटर के साथ रहता है, इस रिवर का रनिंग वाटर हो गया, ठीक है? या फिर लेक का रनिंग, लेक तो नहीं, लेक रनिंग वाटर नहीं होता है, झरने को बात बोल सकते हो, ठीक? राइट, लॉटिक एनिमल द एनिमल लिव इन रनिंग वाटर। टर्टल किस कैटेगरी में जाता है? टर्टल। द एनिमल्स लिव इन रनिंग वाटर, रनिंग वाटर समझ रहे हो ना? पानी जिसमें तुम लोग खूब नहाए हो, क्या पाला? जब मारे हो फलों में, ये फलों तो कहाँ? गंगा। अच्छा गंगा में, हो गया यार। कर्सोलियल एनिमल, कर्सोलियल एनिमल जिसमें लायन आता है, लियोपार्ड आता है, कर्सोरियल एनिमल जो बहुत तेज दौड़ता है, कंगारू आ जाएगा, फॉक्स आ जाएगा, ठीक है? कर्सोरियल एनिमल बहुत फास्ट, ये सारा पॉइंट आएगा भाई एनिमल किंगडम जो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में, ठीक है? अच्छे से पहले लिखो,
example. रनिंग वाटर वेडी बहुत सारे रिवर फिश आते हैं. फिश ना कोई भी फिश रेहू कतला. दो दिन के बाद फ्राई करके मेरे बनाना जगनपुरा मोड़ पे मिलता है. अच्छे से उसे वास कर लेना. देखो चिकन है, चिकन को क्या करना है कि चिकन के ऊपर का स्किन होता है उसे हटा लेना, अच्छे से वास कर लेना. क्या उसमें एक नींबू ऐसे निचोड़ लेना, थोड़ी सी दही डाल लेना, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मसाले मैरिनेट करके दो तीन मिनट रख देना. क्या बच्चा? अरे हाँ बोलो ना. फिर उसके बाद एक फ्राई पैन लेना, उस पर थोड़ी सी बटर डाल के चिकन को डीप फ्राई करना. उससे फिर उसमें थोड़ा सा चाट मसाले छिड़क के पैक करके लंच बॉक्स में मेरे लिए खुद मत खाना. क्या हुआ? चेक से हाँ तो बच्चे का वो गलत. चलिए देखो वो लाट टपका रहा है पीछे बैठ के. नहीं सबसे अच्छा भेज वाला चिकन, सबसे अच्छा भेज वाला चिकन खाना चाहिए. भेज वाला चिकन की कौन सी जरूरत है? बिना लहसुन प्याज बिना लहसुन के कितना मजा आता है ना जब टीचर अपना टॉपिक छोड़ के इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं और रिकॉर्ड भी हो रहा है. अपलोड है बताएगा. चलो को वापस आते हैं. स्टोरी में बताता हूँ मैं एक्चुअल हाई स्कूल में क्या करता था. सर और बताइए, बहुत मेहनत किया हूँ टीचर आने के लिए. फिर उसका जो गरीबी से अमीरी वाला सफर शुरू होता था. क्या बात? टीचर की बनना चाहता होती है. क्या बात करते हो? मतलब अपनी मर्जी से कोई नहीं बनना चाहता. मैं हां तो रेयर केस सर. हां दूसरा मैं बहुत सारे ऐसे टीचर को देखा हूं जो वाकई में अपनी मर्जी से बना है वो सारे जो छोड़ गए हैं. अभी के जनरेशन में पूछा जाए तो वो लोग कोई नहीं बोलेगा कि टीचर बनना है. एक मैं ब्रेक पांडे का वो भी टीचर है, मतलब पढ़ाता है. एक मेरे सीनियर है सच्चिदानंद रे, डॉक्टर सच्चिदानंद. वो प्रैक्टिस वाली वो पढ़ाता ही जाता है. बोलता है कि मुझे मजा आता है पढ़ाने में, एडिक्टेड हो गया है. जो अगर पैशनेट हुआ टीचर बनने को लेकर वो सच में एंजॉय करता है. और नहीं कुछ हुआ लास्ट में मजबूरी पढ़ा रहे कि दो पैसे आए चार पैसे आए फिर इतना हम करेगा उसके लिए फिर जॉब की तरह हो जाता है. भाई करना ही नहीं है दोनों अंदर. वापस आते हैं कर सोलियर गेंबल. वैसे एंगल को बोलेंगे तो बहुत फास्ट दौड़ेगा. एक लाइन के लिए खत्म कर लेते हैं. दे रन फास्ट. एग्जांपल में पागल सीता. एग्जांपल में पहला है ना लियो. टाइगर पे तेज दौड़ता है ना. फॉसिल एनिमल क्या आता है? फॉसिल से वर्ड आया है. फॉसिल्स कहाँ मिलता है हम लोग को? सोचिए एक बार फॉसिल्स कहाँ मिलता है? हर जगह मिलता है. तो फॉसिल्स क्या है? रिमेनिंग पार्ट है किसी एनिमल्स को जो रॉक्स के बीच में दबा हुआ मिलेगा. अंडरग्राउंड एनिमल का हम लोग फॉसिलियल एनिमल कहते हैं. अंडरग्राउंड एनिमल क्या है? जो धरती के नीचे रहते हैं. आत्मो कछुआ भी हो सकता है. स्नेक. स्नेक अंडरग्राउंड जो बिल बनाकर रहता है. रैट को भी रख सकते हैं, स्नेक्स को भी रखते हैं. तो लेकिन
जो बिल बना कर आता है, इसमें अर्थ फॉर्म को भी इंक्लूड किया गया है, रैबिट को भी इंक्लूड करते हैं, और भी बिल बना कर देता है ना। अर्बोरियल एनिमल, ए आर बी ओ आर, अर्बोरियल एनिमल नहीं, एरियल नहीं, अर्बोरियल एनिमल जो ट्री पर रहता है, पेड़ों पर रहता है, कौन रहता है? और हाँ मंकी, अपना नाम है किसी भी आदमी है। चलिए जल्दी स्नेक उसमें आ सकते हैं। हाँ स्नेक। वॉलेंट एनिमल फ्लाइंग एनिमल को बोलते हैं, इसमें भी स्नेक आता है। जैसे एरियल, ये हो गया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ उसको टच कर रहे हो भाई। वॉलेंट या फ्लाइंग या इसी को हम लोग एरियल बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? एरियल एनिमल। They can fly, जो उड़ सकता है। Example में birds हो जाएगा, और बोलो insects, insects जिसके पास wings होते हैं, पंख होते हैं, वो सारे insects इसके अंदर हो जाएंगे। Solitary animal एक पूछता है तुमसे, ये बार बार आएगा हैबिटेट में, सॉलिटरी एनिमल्स आएगा, कॉनिकल एनिमल आएगा, सॉलिटरी और कॉनियल आएगा। सॉलिटरी मतलब सॉलिटरी, सोलो, सोलो मतलब अकेला। यूट्यूब पर देखिए तो सोलो ट्रैवल आता है, अकेले ट्रैवल करने वाले भी सोलो ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल दो तरह के आते हैं, सबसे शुरुआत में आता है कॉनियल, आता है ग्रुप में जाता है घूमने के लिए, फिर उसके बाद दो चार पांच बार दोस्तों के साथ ग्रुप में जाता है, उसके बाद बोलता है खर्च बहुत हो रहा है इसलिए सोलो चलते हैं। क्या बात है? सोलो ज्यादा अच्छा है। क्या बात? सोलो ज्यादा अच्छा है। हाँ, आता है सोलिटरी एनिमल जो अकेला रहता है। सॉलिटरी एनिमल्स, सॉलिटरी एनिमल्स का मतलब लिव अलोन, जो अकेला रहता है, जैसे स्नेक, ग्रास होपर, ग्रास होपर स्नेक ग्रुप में रहता है, ग्रुप में रहता है, अकेला जहां पर मिलता है। ग्रास होपर कौन सा? ग्रीन कलर का होता है, जिसके लंबे लंबे टांग होते हैं, पेट में बेचारा अकेले पड़ा रहता है। कौन सा? टैप ऑफ ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में एक वर्म्स होता है, जिसको टैप वर्म बोलते हैं, डिसेंट्री कॉज करता है, ठीक है, और ये बीक वगैरह खाने से होता है, वो बेचारा के लिए पड़ा रहता है ना। तो वैसा एनिमल जो लिव अलोन, एग्जांपल के लिए टैपवर्म, ग्रास होपर, स्नेक्स भी कुछ होते हैं। स्नेक्स दोनों कैटेगरी में फॉल करता है, कॉलोनी में भी होता है, और हम लोग क्या है, ह्यूमन छोड़ दिया जाए तो चार पांच सालों के लिए तुम घर तो जरा झाक के देखो वहां से लाइव स्ट्रीम करना, ठीक है, थोड़ा पत्ते उत्ते खाओ, फल उल खाओ, कोई हम लोग नहीं करते। हाँ वो भी अकेले नहीं रहता, उसके पास लोग जाते रहते हैं,
अकेला मतलब अकेला लाइफ गुजारता है, बिल्कुल कभी नहीं। सोलो का मतलब वही होता है, रिप्रोडक्शन के समय वो किसी के साथ मीट करेगा, अदरवाइज अकेले रहेगा। अघोरी का बात कर रहे हैं क्या? अघोरी भी ग्रुप में रहता है। कॉलियन तो समझ में आ रहा है, ग्रुप में रहेगा और एक दूसरे को मदद करेगा। कॉलियन जैसे मैं हनी भी ग्रुप में रहता है, हम लोग ग्रुप में रहते हैं, चींटी ग्रुप में रहता है, स्नेक्स ग्रुप में रहता है, रैबिट ग्रुप बहुत लंबा लिस्ट है ग्रुप में रहने वाले। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ग्रीगेरियस एनिमल, ग्रीगेरियस एनिमल ये पूछता है, ये ग्रुप में तो रहेगा बट एक दूसरे को मदद नहीं करेगा। जैसे लॉक्टस एक तो एनिमल्स का नाम है, लॉक्टस सुन ढूंढ लेना कौन सा है। पैरासाइट्स एनिमल जो दूसरे पे डिपेंड होगा, फ्री लिविंग जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा, सेसाइल एनिमल जो किसी एक जगह फिक्स हो जाएगा। ठीक, इसमें सिर्फ याद करने वाला है ग्रीगेरियस एनिमल। राइट ऑन, ग्रीगेरियस मन्ना तो ग्रीगेरियस कौन क्या डॉक्टर्स इसका मगरमच्छ का प्रजाति है क्या हो मगरमच्छ का प्रजाति है कौन डॉक्टर हो सकता है। ग्रीगेरियस एनिमल क्या है? ग्रुप में रहेगा बट एक दूसरे को मदद नहीं करेगा। इसके लिए बड़ा जल्दी सुन रहे हो। अच्छा सेल्फिश लिविंग ग्रुप बट कान हेल्प टू ईच अदर, ऐसा ही रहना चाहिए। एग्जाम्पल पास आइट जानते हो? थैंक यू बोरस जो खून पिता, थैंक यू बोरस जो खून पिता है ना, जैसे बाइक के लिए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के लिए बाइक। प्लैंकीबोरस जो प्लैंकटन खाता है, छोटे छोटे प्लैंकटन। ठीक है, एक और पूछेगा पिसीबोरस, पिसेस फिश को बोलते हैं, पिसीबोरस मछली खाता है, हर्बीबोरस प्लांट को फीड करता है, कार्निवोरस एनिमल फीड करता है, ओमनीबोरस ऑल काइंड ऑफ फूड को फीड करता है। ठीक है, ग्रैनीबोरस ग्रैंड्स खाता हूँ, ग्रैंड्स को फीड करता हूँ, लार्वेबोरस लार्वा फीड करता हूँ, ऐसा नाम याद हो जाएगा। फोलिबोरस FOL है, फोलिबोरस जो पत्ते खाते हो। फोलिबोरस क्यूडम मंकी इस पे क्या खा रहा है ना, जो पत्ते खाता है। इसमें से सिर्फ सुन लो कौन कौन सा वोरस वाला है। पॉलीवोरस याद हो गया जो लीफ खाएगा, याद हो जाएगा खाली नाम को सुनना। लार्वीवोरस लार्वा खाएगा, ग्रैनीवोरस ग्रेन्स खाएगा, ग्रेन्स समझ लो अनाज वगैरह ये सब जो खाएगा। ठीक है, ग्रैनीवोरस के लिए एग्जांपल होता है ग्रैनीवोरस, वो छोटे छोटे जो पक्षी आते हैं पिगन पिगन वो आता है। ठीक है, रैट इसके अंदर कैटेगरी में चला जाएगा। ओमनीवोरस हम लोग जो मिल जाए सबका जाना है। ठीक है, कार्निवोरस
लाइन्स जो एनिमल्स को खाए जाते हैं, हर्बीवोरस जो प्लांट को खाए, प्लांट को खाएगा हर्बीवोर, जो खाएगा प्लांट हर्बीवोरस, जैसे बकरा बकरी, डियर, ठीक है। एक और आता है पिसिवोरस, पी आर एस सी आर, पिसी, क्या आया फिशेस से, जो मछली खाता है, फिश खाता है, प्लैंक्टोन है, जो छोटे छोटे प्लैंक्टोन होता है, कितने सारे वोरस ये आ सकते हैं। पॉलीगैमस एनिमल क्या है, पॉलीगैमस या पूछेगा रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो पॉलीगैमस एनिमल मिलेगा, पॉली एंथ्रस मिलेगा और पॉलीगैनस मिलेगा। सुनो, पॉलीगैमस दो तरह के होते हैं, पॉली एंड्रस होता है और पॉली गैनस होता है। पहले पॉलीगैमस क्या होता है, पॉलीगैमस एनिमल का मतलब होता है तो वैसा एनिमल जो ग्रुप में तो रहेगा बट मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर होगा, क्या होगा, ग्रुप में तो रहेगा बट मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर होगा, जैसे हिरन, डियर, जेब्रा, हिरन, और इसमें दो कैटेगरी मिलेगा, एक पॉली एंड्रस होगा और एक पॉली गाइनस होगा। एंड्रस एंथर से लाया है और गाइनस गाइनोकोनियम से लाया है, ठीक है। तो पॉली एंड्रस यानी मेल कैटेगरी में आया, यानी एक फीमेल होगा जिसका मोर देन वन मेल पार्टनर होगा सेक्स को, और पॉली गाइनस का मतलब होगा एक मेल होगा जिसका मोर देन वन फीमेल सेक्सुअल पार्टनर होगा, क्लियर। तो जितने सारे एनिमल्स होंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो दो कैटेगरी में जाया है, ठीक है। एक पॉली एंड्रस होगा, पॉली एंड्रस कहने का मतलब होता है कि फीमेल के पास मोर देन वन मेल सेक्सुअल पार्टनर होगा, और एक पॉलीगैमस होगा, कहने का मतलब है कि एक मेल के पास मोर देन वन फीमेल पार्टनर होगा, क्लियर। और सिर्फ मेल और फीमेल पार्टनर एक है, एक से अधिक है, ये डिटरमाइन नहीं कर रहा, तो सिर्फ पॉलीगैमस एनिमल बोलेंगे। पॉलीगैमस का मतलब है कि हैविंग मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर, क्लियर। उसी तरह एक मोनोगैमस एनिमल आएगा, मोनोगैमस एनिमल का मतलब एक मेल के पास एक फीमेल या एक फीमेल के पास एक मेल सेक्स पार्टनर होगा, क्लियर, जिसे हम लोग मोनोगैमस एनिमल कहते हैं, यानी इसके पास एक ही सेक्सुअल पार्टनर होगा, अभी समझ लीजिए एक बार, क्लियर। अब मोनोगैमस इसके बाद आता है मोनिशियस, जिसे हम होमोफोडाइट कहते हैं या बाईसेक्सुअल एनिमल कहते हैं, मोनिशियस हम होमोफोडाइट या बाईसेक्सुअल एनिमल कहते हैं, मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पर से, मेल और फीमेल दोनों पर से, जैसा अर्थ होता है वो हर्मोफ्रोडाइट है, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है, ठीक है। लीच जो ये हर्मोफ्रोडाइट है जिसमें एक ही बॉडी में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है, टाइप ऑफ एक ही बॉडी में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है, एक और होता है लिवर फ्लक, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों होता है, एक होता है डाइसेक्स एनिमल, यूनिसेक्सुअल एनिमल जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, एग्जांपल के लिए ह्यूमन या बहुत सारे एनिमल्स जैसे लायन, टाइगर, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, समझ में आ रहा है। तो मोनिशियस का मतलब है कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी में हो जाना, और डाइसेक्स का मतलब होता है दो, यानी मेल और फीमेल अलग अलग हो जाना, डाइसेक्स को ही हम लोग यूनिसेक्सुअल एनिमल बोलते हैं, अमोनिशियस को हम लोग बाइसेक्सुअल एनिमल, बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्सुअलिटी उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसमें हम हर्मोफ्रोडाइट भी करते हैं, यानी एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों होगा, याद रखिए। अब इसी में तुम्हें एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, प्रोटेट्रस एनिमल और प्रोटोगाइनस एनिमल, प्रोटोएंट्रस और प्रोटोगाइनस, प्रोटोएंट्रस का मतलब होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन मोर मैच्योर होगा कंपेयर टू फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्लियर। अब प्रोटोगाइनस एनिमल का मतलब होता है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन मोर मैच्योर होगा कंपेयर टू मेल, तो प्रोटोएंट्रस और प्रोटोगाइनस ये दोनों टाइप है मोनिशियस का, इसका मोनिशियस का, याद रखिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट पे जाते हैं, यानी पॉलीगैमस एनिमल्स, क्लियर, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस आगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग लेइंग होगा या फिर चाइल्ड बर्थ होगा, यानी ओविपोरस होगा या विविपोरस होगा। एक और वर्ड आता है ओवोविविपोरस, ओवोविविपोरस जिसमें सार्क आता है, नहीं
एनिमल बर्थ तो करता है बट प्लासेंटा का फॉर्मेशन जिसमें नहीं होता है दैट इज ओविविपोरस। फिर अभी बहुत सारे फिर आएंगे एक्टोथर्मल, क्या होता है एक्टोथर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन करके नहीं रखता है एक्टोथर्मल। क्लियर। फिर इसी में हम लोग देखेंगे एंडोथर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रहते हैं। फिर नॉक्टर्नल एनिमल जो रात को जगता है, बहुत सारे पॉइंट है, सारा काम रिपीट होते रहेगा जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल देखेंगे। क्लियर। अरे समझ ये माइंड रख लेना, जब ये सारा काम क्लियर हो जाता है तो फिर वो इजीली होता है समझ में यार। चलो भागो।